आपने VR हेडसेट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे ऐसे आंखों में लगाकर एंटरटेनमेंट किया जाता है। तो क्या आपको पता है कि रशिया में फार्मर्स इसे VR को अपने गायों को पहनाते हैं और उनका ऐसा करने से गाय मिल्क प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ा देती है। दरअसल फार्मर्स क्या करते हैं कि ये VR हेडसेट पहनाकर उसमें ग्रीन फील्ड वाला वीडियो लगा देते हैं, जिससे गायों को लगता है कि वो किसी ग्रीन फील्ड में घूम रही है, जिससे उनका एंजाइटी कम होता है और वो मिल्क प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ा देती है। सच में कमाल का आइडिया है गायों को VR हेडसेट पहनाना। आखिर ये मामूली सी कागज 11 करोड़ रुपए में कैसे बिकी? तो ये बात है 1992 की, जब आइंस्टाइन टोक्यो के एक होटल में ठहरे थे तो एक कुरियर बॉय उनका कोई सामान लेकर आया। तो उस लड़के को टिप देने के लिए आइंस्टाइन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस कुरियर बॉय को एक नोट दिया जिस पर खुशहाल जिंदगी जीने के रिलेटेड एक एक कोट लिखी थी। और वही मामूली सी नोट जिसे आइंस्टाइन ने दिया था वो 2017 में एक ऑक्शन में $1.56 मिलियन मतलब करीब 11 करोड़ से भी ज्यादा रुपए में बिका। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके छूने मात्र से मिट्टी भी सोना बन जाती है, ये लोग उन्हीं लोगों में से एक हैं। बताओ इनका दिया हुआ नोट 11 करोड़ में बिक गया। चाइना के सोल्जर्स को शुरू से ही सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, हर छोटी मोटी चीज को उनको ढंग से निभाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए ट्रेनिंग के स्टार्टिंग पीरियड में ही सोल्जर्स के कॉलर में ऐसे पिन लगा दिया जाता है ताकि सोल्जर्स को अपने चेहरे को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की आदत पड़ जाए और जैसे ही वो भूलकर नीचे फेस करे तुरंत ये पिन चुभ जाए, जिससे तुरंत वो फेस को ऊपर उठा ले और ऊपर ही रखने की आदत डाल ले। इंसान की किस्मत कभी भी पलट सकती है, मिट्टी भी सोना बन सकता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप इस फैक्ट से समझ जाओगे। दरअसल दक्षिण कोरिया में एक बंदे ने एक पुराना फ्रिज खरीदा और जब वो फ्रिज उसके घर डिलीवर हुआ और जब उसने फ्रिज खोला तो देखा कि उसमें 96 लाख रुपए टेप के सहारे फ्रिज के निचले वाले हिस्से पर चिपका कर रखे गए थे। बोलो लग गई ना उसकी फ्री में लॉटरी। बताओ 5-10 हजार का फ्रिज खरीदा होगा और उसको साथ में 96 लाख रुपए मिल गए। इसलिए कहते हैं कि इंसान की किस्मत कभी भी पलट सकती है। आईफोन का वो किस्सा जिसे सुन आज भी पूरी दुनिया लोटपोट हो जाती है। दरअसल ये बात है 2007 की, जब एप्पल ने अपनी सबसे पहला आईफोन लॉन्च करा था और उस आईफोन से सबसे पहले स्टीव जॉब्स ने कॉल किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के एक स्टारबक्स में कॉल किए और बोले गुड मॉर्निंग, क्या आप 400 स्टारबक्स की कॉफी भिजवा देंगे? और फिर हंसकर बोले जस्ट किडिंग और फोन काट दिए, जिससे स्टीव जॉब्स के प्रैंक पर पूरी भीड़ हंसने लगी और इस प्रकार स्टीव जॉब्स ने आईफोन से सबसे पहला कॉल किया।